ये कौन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी? कांग्रेस की मोदी जी थोड़ी शासन करेंगे यहाँ पे, क्या वो करें? सपना आ रहा क्या उनको? हम तो यहाँ रहे, उनको क्या सपना आ रहा क्या? अच्छा, उनको क्या सपना रहा वहाँ से? हम तो गाँव में हम रहते हैं ना, हमें पता रास्ता, हम ले रहे हैं मोदी जी को जमीन है उन्हें सारे नींद में रहते, ऊपर तो उठ रहे थे, वो जमीन में पता ही नहीं जमीन का अभी तक तो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जमीन नहीं पता, चाय बेच कर आए मोदी जी, चाय बेच कर आए। हम तो खेती करके आए, खेती करके आए, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी चलते रहेंगे, झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे क्या? झूठ मोदी, झूठ कह रहे हैं 450 पर सिलेंडर देंगे, कुछ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो किसान विधि का दिया जो हमारा वो फार्म ही गायब कर दिया। भ्रष्टाचार तो मोदी जी ने किया, कांग्रेस वालों ने कहा। मोदी जी ने कौन सा भ्रष्टाचार? जो नहीं, अभी जहाँ जी जगह कन्यालाल का है, वो उदयपुर वाला, उन दो को छोड़ दिया, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ठीक है ना, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सबको चूतिया बनाया है, और अशोक गहलोत जी ने सबको अभी खाने का नमक दिया, हमारे को मिर्ची दी, पाउडर दी, तेल दिया। भ्रष्टाचार कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है और आना चाहिए, कांग्रेस ही आना चाहिए। मैं कहता हूँ 2024 में भी राहुल गांधी को आना अनिवार्य है। बात हो रही थी विधानसभा की, अब होने लगी 2024 की बात। राहुल गांधी को आना बहुत जरूरी है, बोले तो बहुत जरूरी है। राहुल गांधी देश पूरा डूब रहा है, उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी आएगी, बाबी साहब जी विजय वल्लभ नगर शहर से, बाबी साहब हजारों वोटों से जीतेंगे, हजारों वोटों से जीत जाएंगे। हजार काम किया उन्होंने, क्या काम किया? विकास के नाम पे वोट मिलेगा, खेल हॉस्टल बनाया, आचार्य ये कॉलेज बनाया, भिंडर में वल्लभ नगर कॉलेज बनाया। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म। आने वाले और पीछे किस तरीके से यहाँ पे लोगों में जो जोश है वो नजर आ रहा है, किस तरीके से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं भाई। देखिए काफी महिलाएं भी यहाँ पे आ रही, तो किसके लिए आई हैं यहाँ पे? किसके लिए आई हैं? गुल्ली से, गुल्ली। अच्छा, कैंडिडेट के लिए आई है। राहुल गांधी आ रहे तो क्या लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे लगातार बच्चे भी काफी आ रहे हैं जो झंडे कांग्रेस के लेकर आए। क्या नाम है? राहुल गांधी आ रहे हैं आज इस क्षेत्र में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस पार्टी। बच्चे की जुबान पर है यहाँ पे इसकी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी आएगी, बाबी साहब जी विजय वल्लभ नगर शहर से, बाबी साहब हजारों वोटों से जीतेंगे, हजारों वोटों से जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, हजारों काम किया उन्होंने। क्या काम किया? विकास के नाम पे वोट मिलेगा, खेल हॉस्टल बनाया, आचार्य ये कॉलेज बनाया, भिंडर में वल्लभ नगर कॉलेज बनाया, तहसील बनाई, और वल्लभ नगर में विकास इतना हुआ जितना 50 साल में नहीं हुआ, इतना विकास बाबी साहब ने कराया। कह रहे हैं जितना 50 साल में विकास नहीं हुआ उतना कहीं आया है? 25 साल में इतना विकास हुआ है। क्या कह रहे हैं, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की, कांग्रेस की बनेगी, हम बिल्कुल होप से। लेकिन मोदी जी तो दावा कर रहे हैं मोदी जी चलते रहेंगे, झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे क्या? झूठ मोदी, झूठ कह रहे हैं 450 में सिलेंडर देंगे, कुछ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कुछ नहीं, वो किसान विधि का दिया जो हमारा वो फार्म ही गायब कर दिया। कह रहे हैं सबका साथ, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यहाँ पे और भी काफी लोग हैं, तो इन्हीं से जानना चाहूंगी कि क्या है राय, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की, कांग्रेस की ही क्यों सरकार? कांग्रेस अच्छी है, गरीब को देखती है, सबके लिए भला सोचती है, जब महंगाई बहुत हो गई है इसलिए कांग्रेस ही आना जरूरी है। कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने राजस्थान में भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है और आना चाहिए, कांग्रेस ही आना चाहिए। मैं कहता हूँ 2024 में भी राहुल गांधी को आना अनिवार्य है। बात हो रही थी विधानसभा की, अब होने लगी 2024 की बात। को राहुल गांधी को आना बहुत जरूरी है, बोले तो बहुत जरूरी है। राहुल गांधी देश पूरा डूब रहा है, उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। राहुल गांधी, राहुल गांधी को आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को तो पप्पू कहा जाता है। नहीं नहीं, उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने गलती हो गई, लेकिन अब की बार आना जरूरी अनिवार्य है। मेरा मानना है कि आएंगे जरूर। मैं खुद बार काम कह रहे, जो इंडिया गठबंधन हुआ उसमें तो सारे भ्रष्टाचारी हैं ना? वही भ्रष्टाचारी नहीं है, सब अच्छे आदमी हैं, सभी अच्छा देश के लिए अच्छा काम किया है, अच्छा करेंगे आगे भी, अच्छा करेंगे आगे, अच्छा करेंगे और भी कई लोग। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की, बड़ा सटीक जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार ही क्यों बनेगी? क्योंकि उन्होंने काम कराया। कोई ऐसा काम कांग्रेस का जो आपको अच्छा लगा हो? आपने सड़क बनवाई। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी राजस्थान? किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। मोदी जी 450 का सिलेंडर दे रहे हैं? ये 400 में दे रहे हैं। अशोक गहलोत जी 400 में दे रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचार किए राजस्थान। भ्रष्टाचार तो मोदी जी ने किया, कांग्रेस वालों ने कहा। मोदी जी ने कौन सा भ्रष्टाचार? क्यों नहीं, अभी जहाँ जिस जगह कन्यालाल का है, वो उदयपुर वाला, उन दो को छोड़ दिया, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ठीक है ना, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सबको चूतिया बनाया है, और अशोक गहलोत जी ने सबको अभी खाने का नमक दिया, हमारे को मिर्ची दी, पाउडर दी, तेल दिया। कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है राजस्थान।
अशोक गहलोत जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, बीजेपी वालों ने किया। बीजेपी वालों, हाँ मेरे पास सबूत है। सबूत है, क्या सबूत है? है? क्या सबूत? जब ये टीवी पे सब चल रहा है, क्या चल रहा है? क्या ऐसे न्यूज वाले आप ऐसे थोड़ी बताते हो? आज कन्या लाल को मारा उदयपुर में हमारे, तो बीजेपी के थे, कांग्रेस में, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बताइए मेरे को। बीजेपी के थे ना, हाँ तो बीजेपी में ऐसे अत्याचार भ्रष्टाचार पहले से, उनको छोड़ कैसे दिया? अच्छा, हाँ उनको सजा दिला देते ना, हम बीजेपी के साथ में रहते। कन्या लाल का मुद्दा ये, कन्या लाल का भी मुद्दा चुनाव में रहा है, हाँ मुद्दा रहा, हाँ मेन मुद्दा ये। और हमारे जितना जितना कार्य किया है, शायद कोई मुख्यमंत्री करेगा। और हमारे प्रीति मैडम जी, इन्होंने कॉलेज भी बनाए, हर काम किया है, और गरीबों का, अंधे लोग बागे, विधवा है, सबका सपोर्ट कर रहे हैं। सर आपसे क्या लग रहा है आपको, राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी? मैडम इस बार तो कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की ही क्यों बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 120 से 34 सीट आएगी। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 120 सीटों से कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं भाजपा की सरकार बनेगी राजस्थान में। मोदी जी थोड़ी शासन करेंगे यहाँ पे, क्या वो कह रहे हैं? सपना रहा क्या उनको? हम तो यार उनको क्या सपना रहा क्या? अच्छा, उनको क्या सपना रहा वहाँ से? हम तो गाँव में हम रहते हैं ना, हमें पता है राजस्थान हम रह रहे हैं। मतलब मोदी जी को जमीनी हकीकत नहीं पता? अरे उन्हें सारा नींद में रहते, ऊपर तो उठे रहते, वो जमीन में पता ही नहीं जमीन का अभी तक तो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जमीन नहीं पता, चाय बेच कर आए हैं मोदी जी, चाय बेच कर आए हैं। हम तो खेती करके आए, खेती कर कर आए, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया ही क्या है? तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने क्या किया? बीजेपी वालों हवा में बातें करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं जो 50-60 साल में नहीं किया, वो 9 साल में मोदी जी ने किया। क्या किया वो तो पूछा, हम जनता पूछ रहे क्या किया, वो बताए ना, क्या क्या वो बताए, हम बता रहे हैं। भरोसा नहीं है क्या मोदी जी पर? भरोसा कुत्ते पे भरोसा कर ले, मोदी पे नहीं करे। इतना खपा कहाँ है मोदी? खपा नहीं है, खपा नहीं है जनता उनसे, खपा है हम, खपा नहीं है। क्यों खपा है जनता? अरे खपा क्यों नहीं होंगे, आपके सिलेंडर पहले से बोलते थे महंगे कम होगी, महंगे कम हो गई क्या? तो कह तो रहे महंगाई है ही नहीं ना देश में। अरे उनके लिए नहीं, अगर हवा में उड़ते हैं ना, वो जनता का महंगाई है। 1700 करोड़ का जो जहाज में चल सकते हैं, महंगे थोड़ी नहीं रहेगी उनको। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री के टूटी हुई चप्पल पहन के चले? टूटी हुई चप्पल जमीन पे तो चले, जरूर थोड़ी चप्पल पहने, चप्पल थोड़ी चप्पल पहने तो फिर। लेकिन ऐसा, लेकिन कह तो रहे कि अशोक गहलोत ने राजस्थान में भ्रष्टाचार किए, लाल डायरी का राज खुलेगा। अच्छा लाल डायरी, बराबर है आपका लाल डायरी। मोदी जी ने आगे पढ़ी क्या उस लाल डायरी को? पढ़ी क्या? कर ली तो कहा है क्या एक बार, आप ही बता दीजिए हमें। कर ली तो कहा है मोदी जी ने लाल डायरी का जिक्र। मैं कह रहा हूँ आप ही बता दीजिए, लाल डायरी है क्या एक बार, ये क्या बताइए ना। मैं बता दूँ, मेरा लाल फोन है, इसका लाल टी शर्ट है, तो टी शर्ट है ना ये, तो डायरी में क्या है वो तो बता दीजिए ना एक बार। उनको भी पता नहीं लाल डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी। लेकिन ईडी के लगातार छापे तो पड़े हैं ना राजस्थान में। हाँ तो मेरे पास होगी, जब मैं डलवा दूंगा ईडी पे छापे, जिस दिन हमारे पास होगी सरकार ना, हम ही डलवा देंगे छापे। छापे में क्या है? लेकिन कह रहे हैं जो सरकारी संस्थान है वो अपने तरीके से काम कर रही है। सबके पहले भी सरकारी संस्थान थे ना, वो भी काम कर रही थे ना, ऐसा नहीं था विपक्ष में जांच करके सब पे करी थे ना, इस बार विपक्ष टारगेट क्यों? अशोक गहलोत के ऐसे कौन से काम है कि जो आपको पसंद आए? मेरा एक वोट किसी गरीब आदमी को 25 लाख का बीमा उसका फ्री है, इलाज के नाम का। कोई भी एक्सीडेंट होगा 10 लाख का उसको चिरंजीवी योजना उसको मिलेगा। तो मोदी जी भी तो आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। 5 लाख से क्या होगा मैडम, 5 लाख में क्या होता है? अभी मेरे वहाँ एक डाणी में एक पेशेंट था, उसको न्यूरो सर्जरी हुई थी, 17 लाख का इलाज हुआ, फ्री में हुआ उसका। अच्छा फ्री में हुआ है? फ्री में हुआ है, चिरंजीवी में प्रूफ है। और आप तो बता सकता हूँ मैं? अच्छा प्रूफ है, प्रूफ है। और कुछ तो क्या, मतलब यहाँ की जनता फैसला कर चुकी है? जनता फैसला कर चुकी है, इस बार जाने वाली बीजेपी, बीजेपी जाने वाली, मतलब सर देखिए राजस्थान और सेंटर दोनों से जाने वाली। लेकिन राजस्थान वही है जहाँ पे सरकार रिपीट नहीं होती, इस बार रिपीट होगी, रिपीट होगी सरकार, फिर से अलग बिल्कुल गलत सब आएंगे। कांग्रेस ही सरकार बनेगी, कांग्रेस ही, कांग्रेस। 125 लाख का चिरंजीवी बीमा, दूसरा अब गारंटी में क्या, 2 किलो गोबर खरीदेंगे 2 रुपया किलो, और उन्होंने लक्ष्मी गारंटी योजना में 10,000 रुपये देंगे। इसलिए हमारे तो सबसे बेस्ट ये हुआ भाई, चिरंजीवी से ही हमारे 25 लाख का बीमा है, 15 लाख ये कर दिया। कांग्रेस ही रिपीट आ रही है, कांग्रेस ही आ रही है, बड़ा सटीक जवाब दे रहे हैं भाई। हाँ कांग्रेस ही आ रही है, तो भाजपा क्यों नहीं आ रही? नहीं भाजपा नहीं, कांग्रेस ही आएंगे। यहाँ पे राजस्थान में अच्छा काम किया है, और हमारे यहाँ वल्लभ नगर तहसील में प्रीति मैडम आ रहे हैं, इन्होंने कॉलेज खुलवाए और ड्रामा सेंटर खुलवाए, और कुरापर इधर देखो ये कॉलेज खुलवा दिया, बिंडर में कॉलेज खुलवा दिया, कानोड़ में यूएटी कॉलेज खुलवा दिया, तो यहाँ पे प्रीति मैडम ही आ रहे हैं। देखिए चुनाव का माहौल है, तो महिलाओं की राय भी काफी मायने रखती है कि महिलाएं आखिर चाहती क्या है, किसे पसंद कर रही है, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी?
बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस की ही क्यों बनेगी, बिकॉज काम कर रखे हैं कांग्रेस पार्टी ने। मोदी जी भी तो कह रहे हैं 450 का सिलेंडर देंगे। मोदी जी ने तो पहले भी बहुत सारे झूठ बोले हैं, फिर से झूठ फेंक जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? भरोसा नहीं है मोदी जी, किसी को भी नहीं भरोसा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाएं खुश है उनके राज में। महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न ही बीजेपी सरकार में हुआ है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार में भ्रष्टाचार है। नहीं, वो उनके कहने से कुछ नहीं होता ना, वो तो जनता बताएगी, आप जनता से पूछो, जनता खुश है, जितनी महिलाएं आ रही हैं देखो अपना आप खुद चल के महिलाएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इनके लिए कुछ अच्छा कर रही है, तभी तो आ रही है ना महिलाएं राहुल जी को देखने। ऐसा काम जो कांग्रेस का अच्छा लगा हुआ, सारे अच्छे लगते हैं कांग्रेस पार्टी के, बुरा क्या है कांग्रेस पार्टी। लेकिन लाल डायरी के चर्चे कल से काफी बढ़ गए हैं। देखो ऐसा है, बीजेपी सरकार का जो आरोप है उसको तो कभी हम बंद नहीं कर सकते। और रही बात है जब ये अपना अपने में कोई ऐब नहीं देख रही, मतलब समझ रहे हो ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि छाछ तो बोले छालनी भी क्या बोले जिसमें 70 छेद, हमारे हरियाणा में कहावत है ना। मैं आज यहाँ पे राहुल गांधी आ रहे हैं, काफी लोगों में जोश देखने को नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ क्यों, मैं तो जैसे अभी कोटपुतली गई विधानसभा में गई, फिर अजमेर विधानसभा में गई, उसके बाद अभी उदयपुर विधानसभा में थी, आज कुरावड़ विधानसभा में, हर जगह राहुल जी के लिए क्रेज है। मतलब जनता को भरोसा है कांग्रेस? बिल्कुल भरोसा है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत। तो देखा आपने ये भी, यहाँ की जनता जिसकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, लगातार ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।